हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष कर। तो बेसिकली आज वाली क्लास में अपन कंसंट्रेशन टर्म्स जो हमारी रह गई थी उसके बारे में स्टडी करने वाले हैं। तीन कंसंट्रेशन टर्म्स हमारे पास रह गई थी, वन इज स्ट्रेंथ, वन इज पीपीएम, वन इज पीपीबी, राइट। तीनों का बहुत आसान तरीका देखते हैं कैसे स्टडी किया जा सकता है। पीपीएम में जनरली बच्चों को डाउट आते हैं, थोड़ा बच्चा घबराता है, सर पीपीएम को कैसे सोल्व करें, पीपीएम के ऊपर क्वेश्चन आते हैं सोल्व नहीं होते। सुनिएगा ध्यान से, सबसे पहले अपन डिफाइन करने जा रहे हैं स्ट्रेंथ को। स्ट्रेंथ तो बिल्कुल सिंपल है, इसको डिफाइन किया जाता है, सुनिएगा प्लीज, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इस तरीका से स्ट्रेंथ को आप डिफाइन करते हैं, इट इज डिफाइंड एज द मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यदि मैं आपसे एक बात पूछूं, बच्चा मुझे एक बात बताइए स्ट्रेंथ का यूनिट क्या होगा, तो आप स्ट्रेंथ का यूनिट बोलेंगे ग्राम पर लीटर, राइट। एक छोटा सा कन्वर्जन है, वो भी आप देख सकते हैं, बहुत आसानी से बना सकते हैं। जैसे हमने बच्चा आपको पढ़ाया था मोलैरिटी, मोलैरिटी का यदि आपको फॉर्मूला याद आ रहा है, इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, याद करिए थोड़ा सा, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का वॉल्यूम आपने लिया था बच्चा लीटर में, मेरी बात दोबारा सुनिएगा, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। आई कैन राइट, नंबर ऑफ मोल्स को आप क्या लिख सकते हैं बच्चा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। आई थिंक आपको बात समझ आ रहा होगा, मल्टीप्लाइड बाय वन डिवाइड बाय वॉल्यूम इन लीटर। थोड़ा ध्यान से देखिए, यदि मैं इस टर्म का बात करूं तो ये वाला टर्म इट इज नथिंग, इट रिप्रेजेंट स्ट्रेंथ इटसेल्फ, राइट। तो आई कैन सिंपली राइट, मोलैरिटी को आप लिख सकते हैं दैट इज स्ट्रेंथ डिवाइड बाय मोलर मास। तो एक बहुत छोटा सा कन्वर्जन आपके सामने आ गया है, कभी आपको स्ट्रेंथ दिया गया है ग्राम पर लीटर में, एंड इफ यू वॉन्ट टू कैलकुलेट मोलैरिटी सिंपली डिवाइड द स्ट्रेंथ बाय मोलर मास, यू विल रीच टू योर आंसर। फाइन, आगे देखिए, नेक्स्ट कंसंट्रेशन अपन स्टडी करने जा रहे हैं, दैट इज ध्यान से सुनिएगा, पीपीएम। अब पीपीएम को स्टडी करने का बहुत सिंपल तरीका है, सुनिएगा, इट इज डिफाइंड एज द मिलीग्राम ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। दोबारा सुनिएगा, कैसे डिफाइन किया, मिलीग्राम ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ध्यान रखिएगा, जब आप पीपीएम को डिफाइन करेंगे तो सॉल्यूट का मास मिलीग्राम्स में लेंगे और सॉल्यूशन का वॉल्यूम आप लोग लीटर में लेंगे। तो इस तरीका से पीपीएम को यू कैन ऑल्सो राइट, इट इज नथिंग, इट इज मिलीग्राम पर लीटर। थोड़ा इस बात पे गौर करिएगा, मान लो यार आपको लिख के दिया है 8 ppm, कभी आपको 8 ppm लिख के दिया है, इट इज नथिंग, इट इज इक्वल टू 8 mg पर लीटर, राइट। तो आगे से आप पीपीएम को क्या करिए, रिप्लेस पीपीएम बाय मिलीग्राम पर लीटर। तो आई कैन राइट, 8 ppm का मतलब क्या होगा, सुनिएगा, 8 mg ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन दैट इज 1 liter ऑफ सॉल्यूशन, या फिर आप लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इस तरीका से आप पीपीएम को डिफाइन कर सकते हैं। कभी भी आपको लिखा है लेट अस सपोज एक्स पीपीएम, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्स पीपीएम, इट इज एक्स मिलीग्राम ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर।
जैसा कि आप जानते हैं बच्चा, जो 1 मिलीग्राम होता है इट इज नथिंग, इट इज इक्वल टू 10^-3 ग्राम। ये कन्वर्जन भी आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। आगे सुनिएगा प्लीज। नेक्स्ट अपन चलते हैं। मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन बोला गया, अ सॉल्यूशन ऐसा मत करिए, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH हैविंग कंसंट्रेशन 8 ppm, फाइंड आउट द मोलैरिटी। ये सवाल आपसे पूछा गया, आपको बच्चा एक एक्वा सॉल्यूशन दिया है और आपको बोला गया है यू हैव टू फाइंड आउट द मोलैरिटी। सुनिएगा, सबसे पहले बच्चा अपन को करना क्या है, मेरी बात सुनिएगा, 8 ppm इज नथिंग, इट इज 8 मिलीग्राम ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय, आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नहीं दिया है, एन एक्वा सॉल्यूशन, आप ऐसा करिए 1 लीटर एक्वस सॉल्यूशन एंड 1 लीटर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH हैविंग कंसंट्रेशन 8 ppm, फाइंड आउट द मोलैरिटी। व्हाट यू विल राइट, 8 ppm इज इक्वल टू 8 मिलीग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अब 8 मिलीग्राम को आप क्या लिख सकते हैं, 8 × 10^3 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इन इज प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। बच्चा सुनिएगा ध्यान से, आपके पास सॉल्यूट का मास आ गया है, आप मोल्स भी निकाल सकते हैं, डिवाइड बाय मोलर मास, NaOH का मोलर मास 40 ग्राम पर मोल होता है। सुनिएगा, आई कैन राइट 8 × 10^3 डिवाइड बाय 40 मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। बच्चा मैं आपको जानकारी के लिए एक बात बता देता हूं, 1 लीटर सॉल्यूशन में जो मोल्स प्रेजेंट होते हैं उसी को उसका मोलैरिटी बोला जाता है। तो व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, दैट इज इक्वल टू 8 × 10^3 डिवाइड बाय 40 मोलर, दिस इज द फाइनल आंसर। तो इस तरीका से आप आंसर के ऊपर अप्रोच कर सकते हैं। आगे स्टार्ट करते हैं, मेरी बात सुनिए बच्चा, एक लास्ट कंसंट्रेशन टर्म बाकी है, सुनिएगा ध्यान से, दैट इज ppb, पार्ट्स पर बिलियन बोला जाता है। सुनिएगा, इट इज नथिंग, इट इज माइक्रोग्राम ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, अगेन आपको सॉल्यूशन का वॉल्यूम लेना है लीटर। सुनिएगा ध्यान से, मान लो यार आपको लिखा है 10 ppb, तो आप इसको देख के क्या स्टडी करेंगे, 10 μg/L। आई कैन ऑल्सो राइट 10 μg ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इस तरीका से आप लोग ppb को स्टडी करें। मान लो यार 8 ppb लिख के दिया है, आपको स्टडी करना है इसको, तो आप कैसे स्टडी करोगे, 8 μg ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। आई थिंक आपको ये बात समझ आ रही होगी। इस तरीका से बच्चा आप लोग ppb को डील कर सकते हैं। एक लास्ट न्यूमेरिकल देखते हैं और अपन इस टॉपिक को यहीं पे समाप्त करते हैं। सुनिएगा, आपसे पूछा गया बहुत अच्छा सवाल है यार, एक्सप्रेस 8 ppb इनटू ppm, 8 ppb कंसंट्रेशन दिया गया है, आपको उसको एक्सप्रेस करना है किसमें, ppm। सुनिएगा ध्यान से,
सॉल्यूशन की तरफ मूव कर रहे हैं। कुछ बातें बता देता हूं। 1 माइक्रोग्राम इज इक्वल टू 10^-6 ग्राम, 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू 10^-3 ग्राम। आई थिंक आपको ये कन्वर्जन आता होगा, राइट सर। आगे देखिएगा बच्चा, 8 ppb दिया है, तो आई कैन राइट 8 ppb का जो मतलब होगा वो क्या हो, दैट इज 8 माइक्रोग्राम ऑफ सॉल्यूट, समझिएगा, डिवाइड बाय या फिर इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ये आपका हो गया बच्चा पीपीबी का मतलब। आपको बोला है इस चीज को एक्सप्रेस करना है किसमें, किसमें, सुनिएगा, पीपीएम। तो आई कैन ऑल्सो राइट 8 × 10^-3 × 10^-3 डायरेक्टली इनडायरेक्टली हो गया 10^-6 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, राइट। अब आपको क्या करना है, मिलीग्राम में एक्सप्रेस करना है, मेरी बात सुनिएगा, इन दोनों टर्म्स को क्लब कर दीजिए, 8 × 10^-3 आई कैन राइट दिस फिगर, इट इज नथिंग 8/1000 mg ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 8/1000 mg ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, और बच्चा मिलीग्राम ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन को ही आप लोग पीपीएम का नाम देते हैं। जो कंसंट्रेशन जो पीपीएम में आएगा दैट इज नथिंग, इट इज इक्वल टू 8/1000 ppm। आई थिंक आपको बात समझ आ रही होगी, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम एक बहुत शानदार शॉर्टकट सीखने वाले हैं, सारी कंसंट्रेशन टर्म्स को कैसे इंटर कन्वर्ट किया जा सकता है, मैं आपको एक बहुत शानदार शॉर्टकट बताने वाला हूं। चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अपना ध्यान रखिएगा, ठीक है, बाय।